हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहिए। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ए शेयर हाई गया था 416.80, लो गया था 395.20 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने रिटर्न दिया है 5.77% एंड क्लोज हुआ है 515.05 पे। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है ₹93,269 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹112,434 करोड़ एंड पीई रेशियो है 16.94। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹20,184 करोड़ का, तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.40। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कमी है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 3.76। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से बहुत ही ज्यादा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹24.51, रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.07% एंड आरओसीई है 4.41%। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 60.16% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 6.11%। ये जो कंपनी है हिंडाल्को, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 34.64%, एफआईआई का होल्डिंग है 24.76%, डीआईआई का होल्डिंग है 21.53% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 15.38%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग मिनिमम 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 40% से थोड़ा कम है। लेकिन अच्छा बात क्या है, अच्छा बात ये है कि पब्लिक के पास कम होल्डिंग है और ये जो आपका 34.64% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, इस कंपनी ने ₹4 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट है 16 अगस्त 2022 एंड एक्स डेट है 11 अगस्त 2022। ओके, और एक चीज देखिए, मार्केट के 90% एनालिस्ट इस शेयर को इन्वेस्टर को बाय सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा बात है। और ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका बहुत दिनों से गिर रहा था, ठीक है। गिरते गिरते यहाँ पे देखिए, ये आपका है 28 जून 2022 का दिन, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है और इस शेयर ने क्या किया, अभी ये जो आपका 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है डेली चार्ट के हिसाब से उसको भी तोड़ दिया एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी देखिए अभी आपका 60 का लेवल को क्रॉस कर चुका है और एमएसीडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, कुछ हफ्तों से ये शेयर आपका गिर रहा था, लेकिन लास्ट जो आपका नेगेटिव कैंडल, ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल जिस पैटर्न में फॉर्म हुआ है इसको बोला जाता है स्पिनिंग टॉप पैटर्न। मान लीजिए कोई भी कंपनी का शेयर कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली आपका नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है, उसके बाद अगर लास्ट वाला कैंडल ऐसे पैटर्न में फॉर्म होता है तो माना जाता है कि अभी इस शेयर में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। और उस ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करते हुए उसका बाद का जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, जो कि एक अच्छा बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी जो हफ्ता खत्म हुआ, इसके पिछले हफ्ते में यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था यहाँ पे देखिए, एंड इस कैंडल में आपका सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। और अभी जो हफ्ता खत्म हुआ, इस हफ्ते में भी यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और इस कैंडल ने क्या किया है, वीकली चार्ट के हिसाब से जो आपका 100 डेज मूविंग एवरेज का ए वाला लाइन है इसको भी तोड़ के ऊपर क्रॉस किया एंड सस्टेन भी किया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अपटेन हो चुका है
और अगर एमएससीडी की बात करेंगे तो एमएससीडी अभी भी आपका 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी लगातार यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब वीकली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए इसका जो करंट मार्केट प्राइस है आपका लगभग है ₹415, अगर इसी रेंज पे लगभग इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले 5-6 महीनों के अंदर ये शेयर आपका 540 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।